सिंगरौली ने इस वर्ष 1621 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित किया है। खनिज राजस्व के मामले में सिंगरौली जिला प्रदेश में पहले नंबर पर आए। मध्य प्रदेश में उमरिया, शहडोल सहित आधा दर्जन जिलों को पीछे छोड़ते हुए कोल राजस्व के मामले में सिंगरौली जिला प्रथम आया है। बताया जा रहा है कि टारगेट से 1.5 करोड़ रुपये अधिक का राजस्व खनिज विभाग ने जमा कराया है। माइनिंग अधिकारी AK राय ने बताया कि सिंगरौली जिले को मिले टारगेट से हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया अधिक जमा कराया है, जो हमारे विभाग के लिए अच्छी खबर है। माइनिंग अधिकारी राय ने कहा कि ये राजस्व तो कोल कंपनियों द्वारा मिला राजस्व है, बाकी DMF मद में मिला राजस्व अलग है। वैश्विक कोरोना महामारी का खासा असर खनिज राजस्व के मामले में नहीं पड़ा। बता दें कि सिंगरौली जिले में स्थिति NCL की खदानें अमलोरी, निगाही, जयंत, झिंगुरदा, गोरबी सहित निजी कंपनियां JP व रिलायंस द्वारा संचालित कोल माइंस कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों द्वारा मिले राजस्व को लेकर सिंगरौली जिला फिर से खनिज राजस्व के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। सिंगरौली के खनिज राजस्व में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर और हमेशा पहले स्थान पर ही कई वर्षों से रहता है। अभी हमारा जो जनवरी तक का लक्ष्य था 1471 करोड़ का था, जिसके विरुद्ध में हम 1621 करोड़ रुपया राजस्व अभी तक वसूल सके, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 150 करोड़ रुपया ज्यादा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।